पापा जी प्लीज सुबह चलिए, मुझे सोने दो पापा जी, पापा सुबह चलिए प्लीज, मुझे सोने दो। गाना सुनने दो। मुझे क्यों खेलने दो? मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे गाना सुनने दो, मुझे गेम खेलने दो और मुझे गाने दो। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लेट की। बिल्कुल सही आपने वीडियो में देखा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लेट वाले सेंटेंसेस का इंग्लिश में किस प्रकार से यूज होता है, हम उन्हें कैसे बोलते हैं। गाइज, आगे बढ़ने से पहले लेट का हिंदी देखिए, ने दो, देना, ने देना या ने मत दो। अलग अलग वाक्यों में लेट का हिंदी अलग अलग हो जाता है, तो आज हम इसी को जानेंगे और इस वीडियो में मैंने विस्तार से लेट के सभी प्रयोग को पढ़ाया है। देखिए, जब हम किसी को कोई काम करने या न करने के लिए कहते हैं तो उस वाक्य में लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट के प्रयोग से वाक्यों में आर्डर, परमिशन, कभी कभी सजेशन का भी सेंस उत्पन्न होता है। तो ये सब आपको वीडियो में मैं बताया हूँ। आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपका स्वागत है, बट आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइज, जो लेट आप पढ़ने जा रहे हैं, इम्पेरेटिव के साथ ही साथ मैंने इसको टेंसेज में कैसे प्रयोग करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, उसको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में पढ़ाया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए रूल नंबर वन देखते हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तब एक्शन यानी मेन वर्ब आएगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता था, तो ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मी, यू, देम, राम और हिम, अस आएगा, ऐसा नहीं कि आई आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उसे अंदर आने दो, राम को बाहर मत जाने दो, वह मुझे पढ़ने देता है, आओ क्रिकेट खेलें, कृपया मुझे सोने दो। इन सारे सेंटेंसेज में लेट का यूज होगा, बट अलग अलग तरह से प्रयोग होगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं। तो उससे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, यानी मुझे के स्थान पर मी, उसे के स्थान पर हिम, उसे स्त्री है तो हर, और हमें के स्थान पर अस, उन्हें के स्थान पर देम और तुम्हें के स्थान पर यू, और राम के स्थान पर राम, सीता के स्थान पर सीता, अर्थात नेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, लेट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुझे जाने दो, तो मुझे का इंग्लिश मी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज होगा, बट उससे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट मी के बाद मेन वर्ब यानी गो, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, राम को पढ़ने दो, यहाँ राम ऑब्जेक्ट है तो लेट राम, पढ़ना हमारा वर्ब है तो रीड, आज उन लोगों को यह काम करने दो, तो लेट देम डू दिस वर्क। तो गाइस, सबसे पहले लेट लिखेंगे, पुनः ऑब्जेक्ट लिखेंगे और तब हम मेन वर्ब लिख करके वो ट्रांसलेट बनाएंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे कि यह लेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो जाए। गाइस, याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, उन्हें सच देखने दो, तो लेट उन्हें का क्या होगा, देम, सी द ट्रूथ, बच्चों को पेड़ के नीचे खेलने दो, तो लेट बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट है, द चिल्ड्रेन प्ले वर्ब है, अंडर द ट्री। लास्ट में लिखेंगे, मुझे अब जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ, लेट मी थिंक, लेट द गर्ल स्लीप, उस तरह से देखिए, मुझे सोचने दीजिए, लेट मी थिंक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। इस तरह से आप जो है ट्रांसलेट बनाएंगे लेट वाले वाक्यों का, अर्थात लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। गाइस, लेट से संबंधित और भी ढेर सारे एग्जांपल्स को मैं बताने का प्रयास किया हूँ वीडियो में। आगे आप देखिए, कभी कभी वाक्यों में कृपया आ जाती है लेकिन नेदो लगा रहता है, तो कृपया की इंग्लिश प्लीज होती है, मैं आपको वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकेंड में आपको बता दिया हूँ। कृपया मुझे जाने दो, तो प्लीज़ लेट मी गो,
तो हमें यह देखना है कि जब सेंटेंस में कृपया रहेगा तो उसकी इंग्लिश प्लीज़ सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद लेट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कृपया उसे काम करने दो, तो कृपया की इंग्लिश प्लीज़ पहले लिखेंगे, पुनः लेट होगा उसे का हिम, उसके बाद वर्क। कृपया सोनम को यह गीत गाने दो, तो प्लीज़ लेट सोनम सिंग दिस सॉन्ग। उस तरह से प्लीज़ लेट रवि गो आउट, प्लीज़ लेट मी स्पीक, कृपया मुझे बोलने दीजिए। तो अगर वाक्यों में कृपया आए, अगर वाक्यों से निवेदन का भाव उत्पन्न होता है, नेदो आता है, तो आप सबसे पहले प्लीज़ को लिखेंगे, पुनः लेट को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपको यह ध्यान में रखना है। लेट के अगले प्रयोग में देखिए, यूज ऑफ लेट अस। लेट अस का क्या प्रयोग होता है? लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, इसका हिंदी होता है आओ या आइए। एग्जाम्पल्स देखें, आओ बाजार चलते हैं या आओ बाजार चलें, दोनों सेंटेंसेज हमारे एक ही हैं। इनका ट्रांसलेट लेट अस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगी, या लेट और अस का शॉर्ट लेट्स कर दीजिए। तो लेट अस गो टू मार्केट या लेट्स गो टू मार्केट, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट या लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स डिस्कस दिस मैटर, लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। इस प्रकार से लेट का यूज होता है यहाँ पर। लेट का कुछ और भी प्रयोग आप देख सकते हैं। देखें कि लेट का प्रयोग मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है, तब इसका अर्थ देना होता है, और इसके तीनों फॉर्म अर्थात लेट 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 एक ही होते हैं। आइए टेंसेज में लेट का यूज देखते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में देखें, सब्जेक्ट लेट और लेट्स, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड होगा। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर लेट में एस लगेगा। आई वी यू दे और प्लूरल होने पर केवल लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब वर्ब होगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वर्ब के पूर्व यहाँ हम तू नहीं लगाएंगे, अर्थात इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। ना ने नी आ रहा फिर भी, क्योंकि ना ने नी का सेंस हमारा लेट से जो है क्लियर हो जाता है। वह मुझे जाने देता है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर हमारी वर्ब आएगी, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अर्थात वर्ब में एस लगा देंगे। तो ही लेट्स मी गो, तुम उसे रोने देते हो। यू हमारा प्लूरल है तो केवल लेट होगा, यू लेट हिम वीप। सुमन राजू को लिखने नहीं देती है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज होगा। सुमन डज नॉट या डजंट लेट राजू वीप। तो ये हमारे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल्स रहे लेट के माध्यम से। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स को आइए देखते हैं अन्य टेंसेज में। हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में एक लेट का यूज़ देख लीजिए, जो कि हमारा लेट 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 तीनों ही फॉर्म एक होता है। राम कल मुझे जाने दिया, तो राम लेट मी गो एस्टरडे, राम के बाद जो लेट लगा है वह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ भी लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव देखें तो राम डिड नॉट लेट मी गो एस्टरडे, नेगेटिव में चूंकि डिड नॉट होगा। फ्यूचर एंड डेफिनिट देखें, सी विल लेट मी राइट अ लेटर, वह मुझे एक पत्र लिखने देगी। तो गाइज आई होप कि आपको यह लेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि आपका इम्परेटिव सेंटेंस अभी तक क्लियर नहीं है तो आप मेरा वीडियो नंबर 1 और 2 देख लें, और यह 3 है, तीनों वीडियोज में आपका यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।